बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनी फैशन पॉइंट में आप सब देखने वालों को दिल से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ कमीज़ सिलाई करने का बहुत ही आसान तरीका। पिछली वीडियो में मैंने इसी कमीज़ की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पे कमीज़ के गले की मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई वाला गला है तो ये बुकरम के साथ नहीं बनेगा। इसे मैं किस तरीके से बनाऊँगी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और गले की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच ली है। आप अपने शर्ट के गले के मुताबिक लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। अब इस तरह से बॉक्स बनाऊँगी और हल्की सी इसे गोलाई दूँगी और उसके बाद कटिंग कर लूँगी और ये सिंपल गोल गले की कटिंग हो जाएगी। और अब हम इसे बुकरम के बगैर किस तरह से बनाएंगे ये मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को देखना है एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये कमीज़ का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, बैक साइड है और ये कमीज़ की फ्रंट साइड है। अब हमने क्या करना है कि एक साइड से जो है हमने कमीज़ का आगे और पीछे को मिला के हमने एक साइड का जो कंधा है उसे जोड़ लेना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये बुकरम के बगैर मैं गला बना रही हूँ तो इस तरह से एक शोल्डर हमने इस तरह से सिलाई कर लेना है और दूसरे शोल्डर को हम सिलाई नहीं करेंगे। अभी आगे मैं बताती हूँ कि उसे हमने क्या करना है। अब हमने एक उरेब पट्टी काटनी है, 2 इंच चौड़ी आपने काटनी है पट्टी और उसे आपने इस तरह से गले पर लगाते जाना है। गले की जो फ्रंट साइड है उस पर आपने इस तरह से इस पट्टी को लगाते जाना है। ये मैंने उरेब में पट्टी कट की है, तिरछी पट्टी ये मैंने कट की हुई है और पूरे गले पे हमने फ्रंट और बैक साइड पे इस पट्टी को इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद इस तरह से कट कर लेना है। हल्का हल्का सा हम कट करेंगे। अब ये जो सिलाई वाली साइड है इसे हमने इस तरफ को दबाना है इस तरह से, ये देखें, और बिल्कुल साथ साथ जो है हमने सिलाई लगाते जाना है। इतना आसान ये तरीका है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से आपने पूरे गले पर सिलाई लगानी है और उसके बाद ये धागा हम कट कर लेंगे और अब इस गले को, ये जो पट्टी हमने लगाई थी उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से एक और फोल्ड करेंगे, ये देखें। उसके बाद चाहे तो आप इधर सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, तो मैं तुरपाई करूँगी। और उसके बाद जो है, अभी मैंने तुरपाई नहीं की है तो मैं दूसरे शोल्डर को भी इस तरह से जोड़ दूँगी। ये दूसरे शोल्डर को भी मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों शोल्डर की सिलाई लगने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने कटिंग की हुई थी, निशान लगे हुए हैं, अब इस पर ही अब हम सिलाई लगाएंगे। बहुत आसान तरीका है, घर पर ही आप इस तरीके से अपनी कमीज़ को सिलाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल सिलाई करने में अनजान हैं तो कटिंग की वीडियो जो है मैं बहुत आसान तरीके से शेयर कर चुकी हूं, आप लोग जाके देखिए। पहले किसी रफ अखबार पे आप लोग उसकी कटिंग कीजिए, उसके बाद आप कोई अपना रफ दुपट्टा लीजिए उसके ऊपर कटिंग कीजिए और इस तरह से सिलाई कीजिए। बहुत आसान तरीका बताया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। और यहाँ पर जो जहाँ पे हिप का निशान है यहाँ पे हम सिलाई को एंड कर देंगे और यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। दूसरी साइड भी मैं इस तरह से ही सिलाई को लगाऊंगी। निशान आपने दोनों तरफ लगा लेने हैं फिटिंग के, कटिंग में मैंने आप लोगों को बताया है। और यहाँ पे हिप पे हम इसे पक्का कर लेंगे। ये देखिए जी, अब सिलाई हो गई है। अब हम चाक फोल्ड करेंगे इस तरह से। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चौड़े चाक फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इतना चौड़ा रख रही हूँ और इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। कपड़े को हमने खींच के नहीं रखना वरना चाक सही से फोल्ड नहीं होंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने करते जाना है फोल्ड और इसे सिलाई हम लगाते जाएंगे।
इस तरह से हम चाक को सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे चाक एंड हो रहे हैं वहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे ये बीच में और इस तरह से घुमाएंगे और ये फोल्ड किया। ये देखें बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी आपके जो चाक हैं वो ख़राब फोल्ड नहीं होंगे। इस तरीके से आप फोल्ड कीजिएगा। जब कमीज़ की कटिंग अच्छे से हुई भी होगी तो सिलाई बहुत जल्दी हो जाएगी। ये देखें, कोशिश की है कि मैं बहुत आराम से आप लोगों को सब चीज़ सिखा सकूं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इस तरह से आपने चाक फोल्ड कर लेने हैं और साथ ही हम दूसरी साइड से भी इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और चाक को हम फोल्ड करते जाएंगे। कपड़े को आपने खींच के नहीं रखना, इस तरह से बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिन लोगों को बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। कटिंग का तरीका बता दिया है आप लोगों को और सिलाई का भी ये तरीका बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से ट्राउज़र की स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने इसी तरह की वीडियोस देखनी है और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप सब लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो अगर आप लोगों को अभी तक थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अपनी शर्ट को सिलाई कर चुके हैं, अब हम शर्ट का आर्म होल नापेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो शर्ट का आर्म होल है वो है 9 इंच। आपने अपनी शर्ट का नाप लेना है कितना है, तो जितना भी होगा उसमें से आपने आधा इंच कम करके आस्तीन पर मार्किंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा आर्म होल आया था शर्ट का वो 9 इंच आया था, तो मैं यहाँ पे आस्तीन का जो नाप लिया है मैंने वो 8.5 इंच लिया है और यहाँ पे आस्तीन की जो गोलाई है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 इंच। आप लोग अपनी कमीज़ के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसे फोल्ड करती हूँ आस्तीन को, उसके बाद हम इसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपने आस्तीन को सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे मैं दोनों आस्तीनों की सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको पूरे को सी के आप लोगों को दिखाती हूँ और किस तरह से कमीज़ में हम इस आस्तीन को अटैच करेंगे वो भी मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। तो जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, अब ये यहाँ से मैं बंद कर लेती हूँ आस्तीन। 5 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी। आप लोग जितना भी खुला या तंग पहनना चाहते हैं बाजू, आप उतना अपनी शर्ट के मुताबिक साइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ, साथ साथ पक्का कर रही हूँ। और जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, जो कमीज़ का आपका आर्म होल होगा उसका जो आपने साइज़ लिया होगा उससे आधा इंच कम आपने ये आस्तीन का आर्म होल बनाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी कमीज़ में कभी भी साइज़ जो है कंधे का वो छोटा बड़ा नहीं होगा। अब ये बाजू की सिलाई मैंने लगा दी है, अब मैं इसे कर लूँगी बाजू को सीधा और कमीज़ को जो है वो मैं कर लूँगी उल्टा। इस तरह से कमीज़ को उल्टा कर बाजू को सीधा करके अब इस तरह से बाजू को हम कमीज़ के अंदर डालेंगे और जहाँ पर फिटिंग वाली जो सिलाई है वहाँ से हम अपनी आस्तीन को अटैच करेंगे इस तरह से।
और उसके बाद सारी आस्तीन की गोलाई के अंदर हम सिलाई लगा लेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब ये सिलाई लगाते हैं तो या तो आर्म होल का साइज़ जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है, कपड़ा ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, या फिर जो आस्तीन हम लगा रहे होते हैं उसका कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना भी आर्म होल है उससे आधा इंच कम आपने आस्तीन का आर्म होल रखना है, तो उससे क्या होगा कि आपका कपड़ा जो है कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से आपने पूरे बाजू की गोलाई के अंदर आपने सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से जो है आस्तीन आपकी अटैच हो जाएगी कमीज़ के साथ। बहुत आसान तरीका था, अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाजू जो हैं वो शर्ट के साथ अटैच हो गए हैं और यहाँ पे जो कमीज़ है वो बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।